हेलो एवरीवन आज हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट मेथड होता है सेपरेशन का दैट इज़ हैंड पिकिंग मेथड हैंड पिकिंग मेथड एक कॉमन मेथड है और बहुत बेसिक मेथड है और इसको घर में भी यूज़ किया जाता है इस मेथड में क्या करते हैं सो दिस मेथड कैन बी यूज़ फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जस्ट साइज़ इम्प्योरिटीज़ इस मेथड में क्या किया जाता है जो भी लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है उनको सेपरेट किया जाता है इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से होते हैं इम्प्योरिटीज लाइक पीसेज ऑफ़ डर्ट स्टोन हस्क फ्राम ग्रेन्स जो डर्ट के जो पीसेज होते हैं या फिर जो स्टोन के पीसेज होते हैं जो हस्क होता है हस्क हम बोलते हैं किसी भी ग्रेन का जो छिलका होता है अनाज का जो छिलका होता है तो इन सभी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं ग्रेन से सो द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज जो क्वान्टिटी होता है इन इम्प्योरिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसलिए ये जो मैथड है डैट इज़ हैंड पिकिंग मैथड ये एक कन्वीनियंट मैथड होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज साइज़ इम्प्योरिटीज़ ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड मेथड के बारे में डैट इज थ्रेशिंग थ्रेशिंग मेथड पढ़ने से पहले हम एक वर्ड आता है उसको डिस्कस करेंगे डैट इज अ स्टॉक स्टॉक क्या होता है स्टॉक हम बोलते हैं जो कोई भी पैडी क्रॉप का जो आउटर कवरिंग होता है जो सीड कवरिंग होता है उसको स्टॉक बोलते हैं ठीक है ठीके? इस प्रोसेस में क्या होता है सो थ्रेशिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ बीटिंग द स्टॉक ऑन अ हार्ड ऑब्जेक्ट इस प्रोसेस में क्या करते हैं जो स्टॉक होता है उसको हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं ऐसा करने से क्या होता है ऐसा करने से जो ग्रेन होता है जो भी अनाज होता है वो सेपरेट हो जाता है स्टॉक से ठीक है होता क्या है इस प्रोसेस में जब भी आ, कोई भी पैडी क्रॉप जैसे वीट है जब वो राइप हो जाता है तो फिर फार्मर्स क्या करते हैं फार्मर्स क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं उसको आ, हार्वेस्ट करने के बाद उनको क्या ऑप्टेन होता है स्टॉक ऑप्टेन होता है और फिर क्या करते हैं वो उस स्टॉक को ड्राई करते हैं ड्राई करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो स्टॉक ड्राई हो जाता है फिर जो फार्मर्स है वो उन स्टॉक को बीट करते हैं हार्ड सरफेस पे और ऐसा करने से क्या होगा आ, बीट करने से जो भी स्टॉक है स्टॉक से ग्रेन सेपरेट हो जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग ठीक है सो तो जो थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है इसको हाथ से भी किया जाता है मैन्युअली भी करते हैं ब्लॉक्स की हेल्प से भी किया जाता है और जब इसको लार्ज स्केल परफॉर्म करना होता है तो फिर मशीन की हेल्प से किया जाता है नेक्स्ट मेथड है डैट इज विनोइंग विनोइंग मेथड से कैसे सेपरेशन होता है कॉम्पोनेंट्स का उसके बारे में हम पढ़ेंगे सो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर इस मेथड को यूज़ किया जाता है हेवियर और लाइटर कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर से जब हैवियर और लाइटर कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना होता है तो विनोइंग मेथड यूज करते हैं और इस मेथड uh, में विंड या फिर एयर को ब्लो करके सेपरेशन किया जाता है ठीक so uh, है सो द फार्मर्स यूज दिस मेथड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन जो फार्मर्स हैं, वो इस मेथड को यूज करते हैं जब उनको ग्रेन से अनाज से जो हस्क होता है हस्क हम बोलते हैं जो छिलका होता है उसको जब अलग करना होता है तो फार्मर्स ये मेथड यूज़ करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो हस्क है ये क्या है ये लाइटर कंपोनेंट है और जो ग्रेन्स है ये हैवियर कंपोनेंट है तो हैवियर कंपोनेंट से जो हस्क है लाइटर कंपोनेंट सेपरेट हो रहा है और किसकी प्रेजेंस में ये होता है विंड के प्रेजेंस में ठीक है सो so, जो विनोइंग मेथड है ये कॉमन मेथड है और इसको हम घर में भी यूज़ करते हैं अब हम पढ़ेंगे हम अपने फोर्थ मेथड के बारे में डैट इज़ सिविंग सिविंग बहुत ही कॉमन मेथड है और इसको भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं सो सिविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज फ्रॉम अ मिक्सचर सिविंग मेथड में क्या करते हैं इसमें जब डिफरेंट uh, साइज के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना होता है तो सिविंग मेथड को यूज़ करते हैं ठीक है सो सेविंग मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं स्टोन के पीसेस स्टॉक को या फिर जो हस्क होता है तो इन सभी चीज़ों को हम अपने मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं सेविंग मेथड को हम अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं कैसे जब भी हम कोई फ्लोर यूज़ करते हैं किसी भी ग्रेन का आटा जब हम यूज़ करते हैं सपोज़ अगर हम व्हीट ग्रेन यूज़ करते हैं तो उसको उसका हम फ्लोर यूज़ करते हैं उसका आटा यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले हम उसको सीव करते हैं सीव कैसा होता है सीव में होल्स प्रजेंट होते हैं और उस आ, वो होल्स क्या करता है उसी से ही जो सीविंग का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है जब भी हम कोई फ्लोर उस सीव में पोर करेंगे तो क्या होगा तो फिर आ, जो होल्स है होल्स से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो फाइन कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर का वो उस होल से पास कर जाएगा और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो उस सीव में ही रह जाएगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर कंपोनेंट्स का सेपरेशन हो जाता है ठीक है तो जो सेविंग मेथड है ये भी बहुत कॉमन मेथड है और इसको हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं तो आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में तो आज हमने फोर मेथड्स पढ़े हैं फर्स्ट इज़ हैंड पिकिंग मेथड सेकेंड मेथड इज थ्रेशिंग थर्ड मेथड इज़ विनोइंग मेथड एंड द फोर्थ इज़ सेविंग मेथड ठीक है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे डैट इज सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन थैंक यू